तो भाई ये मेरी पबजी मोबाइल मैच 38 की हाइलाइट्स, देखते हैं क्या रैंक आती है। अरे मैं वापस शायद इस वाली शैक में जाऊंगा, इस जोन के हिसाब से यही शैक बेटर है, पर मैंने अवॉइड कर दिया पता नहीं क्यों। मैं शायद कुछ बगी वगी ढूंढ रहा था इसलिए मैं शायद मैंने अवॉइड कर दी। या एक मेरी पीछे वाली शैक भी बेटर शैक है, तो क्या पता मैं शायद उस पर जा रहा हूँ। ये 3 सीटर मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल सबसे बेकार, बाइक से भी सबसे बेकार। इससे अब मैं अपनी पीछे वाली फेवरेट शैक में जाऊँगा शायद से, ये वाली में। करंटली जो मेरा प्रेजेंट मैच है ना वो मैं 55 के अराउंड हूँ, तो ये वाले मैच मतलब बहुत पहले के रिकॉर्डेड है, तो ये अपलोड मैं बहुत बाद में कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या पे क्या होने वाला है। बीच बीच में एक दो चीज़ें याद आ जाती हैं पर ज़्यादा नहीं। तो मैं शायद यहीं पे काम करूँगा, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट। फिर नेक्स्ट जोन मेरे पे बनाना है इसी शायद पे, तो ये क्या करा मैंने। अच्छा वो बंदा मेरी बगी पंचर कर रहा था जो सामने विजर टावर था ना, इसलिए तो मैंने सोचा एक स्मोक डाल के मैं निकल लूँ, इतने में उसने धुआं ही निकाल लिया। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना कि इसको भाई मानना ही था कैसे भी। तो पहला शॉट पड़ा मेरा यहाँ पे, चाहे मैं मर जाता भाई ये, लेकिन इसको मानना था, पहले बगी पंचर कर जाता। तो इसलिए ना मुझे बार बार टाइम करना पड़ रहा था, मतलब बार बार कब क्राउच करना है कब उठना है। लगी ली उसको कुछ शॉट्स मारे मैंने, बार बार मतलब हिलते रहो लेफ्ट राइट, यानी कि एक जगह खड़े रहो, पता चले तो मैं राइट से पड़ जाए या लेफ्ट से पड़ जाए। तो इसलिए मैं उसको लेफ्ट राइट हिलाते रहता हूँ बहुत। मेरे पे ना एक ही एम पी एक्चुअली, M4, काश मेरे पे M4 होती काश। एक हेडशॉट उसको लगा तो था लास्ट में, लेकिन राइट वाले ने किल चुरा ली। चलो तो वही नहीं, टॉप 10 से मतलब है मुझे। तो 3x के AKM के स्प्रे में ना पूरी गन ऊपर चली गई थी मेरी अभी। और तुम सोच रहे होंगे भाई तुझे AKM पसंद नहीं तो AKM क्यों चला रहा है भाई, क्योंकि मेरे को M4 तो मिली ही नहीं ना, जो मेरी कैंपिंग स्पॉट से मुझे गन मिली है मैंने वही रखी। और जो मैंने 2 बंदे मारे उन पे भी M4 नहीं थी, यहाँ पे वही इजी किल मिल जाती। भाई ये हेडशॉट था वैसे, बंदा एकदम ही राइट हो गया पर तब भी नहीं मार पाया मुझे। मेरे पे काश M24 होती तो वही मर जाता कब का। अब वहाँ पे उस पे रश हो गया है तो यही था निकलने का मौका, तो देखो अब मैं कैसे ऊपर नीचे करके गया हूँ। ये मेरे पीछे भी बंदा था सामने भी बंदा था, पर मैं टॉप 10 में मैं आ गया था तो इसलिए मैंने रिस्क लिया, कहीं से तो जाना ही था भाई, तुम बीच में रुक थोड़ी सकते हो। वो बंदा भी निकल गया,
बस काश जीप का थोड़ा एंगल लेफ्ट राइट होता, मतलब ऐसे होती है उन लोगों, तो मैं उसको मार देता ड्राइविंग सीट पर। फाइट चल रही थी ऊपर कुछ। थोड़ा मैं बच रहा था कि राइट में बहुत बंदे थे, दो तीन बंदे थे। यहाँ पे कोई भी चीज़ कवर में नहीं थी, पेड़ भी कवर में नहीं था, सारा ओपन में था। सड़क क्रॉस करनी थी मुझे, मुझे बंदा देखा पत्थर में, और मेरे यहाँ भी एक बंदा है। जब तक मैं इसको मार देता था, मैं पीछे से होम पड़ गई। होम वाले ने भी मुझे देख रखा था। ये देखो मैं बच नहीं सकता था यहाँ पे। ओम वाले को देखो ना भाई, इधर ही देख रहा है वो, तो इसलिए मैं लेफ्ट राइट करके मैं पीछे गाड़ी वाले को भी देख सकता था। इतने में उसे चढ़ाई थी। एक चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ ना यार, या तो ओम वाले पे करूँ और या तो गाड़ी वाले पे करूँ। कितने मैच प्लेड हैं इसका? इसने भी हाइड कर रखा है। भाई बंदे क्यों हाइड करते हैं? मैं केडी वेडी हैकर वैकर है क्या? मैच 38। चलो गाइज मिलते हैं आपसे मैच 39 में।